नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। क्रिकेट का महासंग्राम यानी आईपीएल 2020 में आज का महामुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम के 7:30 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। बहुत ही रोमांचक और शानदार होने वाला यह मैच, लेकिन इस महामुकाबले की शुरुआत से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 3 बड़ी मुसीबतों में फंस गई है और कहीं ना कहीं ये तीनों ही मुसीबतें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के फैंस को काफी ज्यादा निराश करने वाले। और इस वीडियो में हम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की उन तीनों ही मुसीबतों के बारे में पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करेंगे और साथ ही साथ इस महामुकाबले के लिए विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में भी बताएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि आप इस महामुकाबले से जुड़ा हर एक अपडेट और साथ ही साथ इस मैच की फैंटेसी टीम जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। क्रिकेट इंडिया जाकर सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, फटाफट वहां से ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको आईपीएल 2020 के दौरान बहुत सारी शानदार चीजें देखने को मिलने वाली है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस महामुकाबले की। तो एक बार हम बात करते हैं हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि आईपीएल के इतिहास में अभी तक ये दोनों टीमें कुल 15 बार आमने सामने हुई है, जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद टीम का पलड़ा भारी रहा है। जी हां, 8 बार हैदराबाद ने जीत दर्ज की, वही केवल 6 बार यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम जीत पाई है। लेकिन इस महामुकाबले से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 3 बड़ी मुसीबतों में फंस गई है। चलिए वन बाई वन बात करते हैं उन तीनों ही मुसीबतों की। तो पहली मुसीबत होने वाली है इस महामुकाबले के लिए फॉरेन खिलाड़ियों के सिलेक्शन को लेकर। जी इस टीम के 8 विदेशी खिलाड़ियों की हम बात करते हैं तो इस टीम के पास आरोन फिंच, एबी डी विलियर्स, डेल स्टेन, क्रिस मॉरिस, मोइन अली, एडम जेम्पा, इशुरू उडाना और जोशुआ फिलिपी, ये 8 फॉरेन खिलाड़ी मौजूद रहने वाले हैं। 8 के 8 खिलाड़ी बहुत ही खतरनाक है, लेकिन 8 में से किन्हीं 4 खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में लेकर आना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बनने वाली है। हालांकि हम यहां पर बेस्ट 4 की बात करते हैं तो यहां पर आरोन फिंच, एबीडी विलियर्स, क्रिस मॉरिस और एडम जेम्पा या फिर डेल स्टेन, इन दोनों में से कोई एक गेंदबाज हमें इनकी प्लेइंग 11 में दिखाई देगा। लेकिन आपके हिसाब से कौन 4 फॉरेन खिलाड़ी होंगे आरसीबी की प्लेइंग 11 का हिस्सा, हमें कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी मुसीबत की। तो यह मुसीबत है इस टीम के मिडल ऑर्डर को लेकर। जी हां, इस टीम का बैटिंग ऑर्डर यानी टॉप ऑर्डर तो बहुत ही खतरनाक है, जहां पर इस टीम के पास एडम जेम्पा, पार्थिव पटेल, विराट कोहली, एबी डी विलियर्स जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी है। लेकिन मिडल ऑर्डर में यह टीम कहीं ना कहीं मार खा जाती है, क्योंकि यहां पर अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है तो मिडल ऑर्डर में इस टीम को कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मिडल ऑर्डर के लिए इस टीम के पास शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी है, जो कहीं ना कहीं मुझे उनसे उम्मीद नहीं कि यहां पर खास परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी मुसीबत की। तो यह मुसीबत होने वाली इस टीम की ओपनिंग को लेकर। जी हां, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आईपीएल 2020 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के स्क्वाड में कुल यहां पर 5 ओपनर बल्लेबाज मौजूद है, लेकिन ओपनिंग पर अभी भी सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, जहां पर एक तरफ तो आरोन फिंच आने वाले हैं लेकिन दूसरे स्लॉट पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और हमें वहां पर पार्थिव पटेल या फिर देवदत्त पड्डीकल, इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी दिखाई देने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं आईपीएल 2020 के इस महामुकाबले के लिए हैदराबाद के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बेस्ट 11 के बारे में। तो इस टीम की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे आरोन फिंच के साथ पार्थिव पटेल, नंबर 3 पर विराट कोहली, नंबर 4 पर एबी डी विलियर्स, नंबर 5 पर शिवम दुबे, नंबर 6 पर क्रिस मॉरिस, नंबर 7 पर वॉशिंगटन सुंदर, नंबर 8 पर उमेश यादव, नंबर 9 पर इशुरू उडाना या फिर डेल स्टेन, नंबर 10 पर युजवेंद्र चहल और नंबर 11 है पर नवदीप सैनी। तो कुछ ऐसी होने वाली इस महामुकाबले के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की प्लेइंग 11। लेकिन आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी इस महामुकाबले को, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर या फिर सनराइजर्स हैदराबाद, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।